मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड। कल की क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ वॉज एंड वर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड। यूज मीन्स होता है बेटा प्रयोग करना। हम लोग आज के सेशन में यू हैज हैव हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। Has, have, had। सबसे पहले इसकी हम लोग पहचान करना सीखेंगे कि हम लोग has, have और had का प्रयोग करेंगे कहाँ पे। सबसे पहले क्या बोला गया है, जब किसी वाक्य के मध्य में पास के पास या किसी वस्तु के होने का बोध होता है। जब किसी वाक्य के मध्य में पास के पास या किसी वस्तु के होने का बोध होता है उसमें हम लोग has, have और had का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जैसे मेरे पास दो कलम हैं, ये देखो इसमें बेटा कॉमन वर्ड क्या आया, पास। हमने अपनी जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोला था कि बीच में पास के पास या किसी वस्तु के होने का बोध होगा। तो इसमें देखो मध्य मीन्स होता है बेटा बीच में, मेरे पास दो कलम हैं, ठीक है। पास आया तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव टू पेंस, ठीक। आई हैव टू पेंस। तो पहले एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि पास देखो बीच में मिला मेरे पास, दूसरा है राम के पास दो कलम है, इसमें भी आया राम के पास दो कलम है। पहले एग्जाम्पल में पास आया, दूसरे में आया के पास, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, ठीक है। जैसे राम के पास दो कलम है तो राम हैज टू पेन, राम हैज टू पेन। सबसे पहले हैज और हैव का अलग अलग प्रयोग होगा। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। हैड में थोड़ा सा अंतर होता है जो कि हम लोग अभी आगे सीखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, सीता की दो बहनें हैं। पहले वाले में मिला पास, मेरे पास दो कलम है, तब हमने हैव का प्रयोग किया। राम के पास दो कलम है, राम के पास है तो उसके बाद राम हैज टू पेन, ठीक है। उसके बाद है सीता की दो बहनें, अर्थात सीता के पास दो बहन हैं, ठीक। तो सीता हैज टू सिस्टर, सीता हैज टू सिस्टर, ठीक। हैज और हैव का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया है, लेकिन हैड का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें छोटा सा डिफरेंस आता है। इसमें पास आएगा, के पास आएगा, लेकिन लास्ट में बेटा क्या मिलेगा हमें, थे, थे, मतलब ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। मींस यहां पे किसकी बात हो रही होगी, भूतकाल की बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे मेरे पास दो कलम थे, अभी हमने पढ़ा था मेरे पास दो कलम हैं, तो हमने हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है तो आई हैव टू पेंस। अब इसमें है मेरे पास दो कलम थे, जैसे ही हम लोग लास्ट में देखेंगे कि था, थी, थे लगा होगा और पास भी लगा होगा तो हम लोग वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। तो आई हैड टू पेन, ठीक, आई हैड टू पेन। अब आपको समझ में आया कि कहां हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं, कहां पे हेड का प्रयोग करते हैं। हेड का प्रयोग बेटा वहां करेंगे जब सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे और बीच में पास, के पास या किसी चीज का अपने पास में होने का बोध होगा। जैसे राम के पास, देखो इसमें के पास भी आया है लेकिन लास्ट में क्या आ गया है, थे आ गया, तो क्या हो जाएगा, राम हैड टू पेंस, ठीक। अब सीता की दो बहनें थी, अभी हमने यहां पे क्या पढ़ा, सीता की दो बहनें हैं, है वाले में तो हैज हैव, लेकिन सीता की दो बहनें थी तो थी वाले में क्या लगेगा, हैड, क्योंकि पास्ट टेंस में हमने तो क्या बताया था कि जब कभी पास के पास और लास्ट में था, थी, थे होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। तो सीता हैड टू सिस्टर, ठीक।
अब बेटा समझते हैं कि हैज और हैव हम लोग किन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, किन सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ही सी इट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैज का। ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग, यू वी और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग या किसी का नाम हो, किसी भी लड़के का नाम हो या किसी लड़की का नाम हो उसके साथ में हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। यू वी आई इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन बेटा हैड वाले में कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, ही सी इट यू वी या किसी का भी नाम हो, ठीक है, किसी किसी का भी यूज हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये सबके साथ बेटा क्या ही लगेगा, हैड ही लगेगा। ठीक है, हैज हैव में तो चेंज हो जाएगा, ही सी इट के साथ हैज लगेगा, यू वी आई के साथ हैव लगेगा, लेकिन हेड का यूज कहाँ होता है, सब सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेड का प्रयोग कर सकते हैं। ही के साथ भी हेड, सी के साथ भी हेड, यू के साथ भी हेड, वी के साथ भी हेड का यूज करेंगे। ठीक है, फिर बेटा हमने आपको बताया था सेंटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या है, स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर जैसे पहली क्लास में पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही सी इट दे सारे सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट के साथ जिन हम लोग वर्ब का यूज करते हैं वो उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो जैसे मोहन के पास एक स्कूटर है, मोहन के पास एक स्कूटर है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस है मीन साधारण वाक्य है, तो मोहन के पास एक स्कूटर है, तो मोहन मोहन हैज अ स्कूटर, हो गया, मोहन हैज अ स्कूटर। ये किसकी बात थी, अफर्मेटिव सेंटेंस की, मीन साधारण वाक्य की, साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य, आपको पहले भी क्लासेस में बताया जा चुका है कि जो भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें उस सेंटेंस में एक कॉमन वर्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, नहीं, और जहां आपको नहीं मिले तो इसका मतलब सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब मोहन के पास एक स्कूटर नहीं है, नहीं से आ क्या याद आया कि नेगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर बेटा होता है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, मोहन हैज, मोहन के साथ, अभी हमने ऊपर क्या बताया, ही सी इट या किसी का नाम हो, सबके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। यू वी आई इनके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब यहाँ पे ही सी इट यू वी तो है नहीं, किसी का नाम है, तो नाम के साथ हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो मोहन हैज नॉट अ स्कूटर। ठीक, अब नॉट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नहीं है, और नहीं का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और उसमें क्या होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कितने, ये जो वर्ड्स जिस सेंटेंस में आ जाए तो हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे यहाँ पे क्या आया है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, ये सब कैसे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम्हारे पास एक स्कूटर है, क्या तुम्हारे पास एक स्कूटर है, तो तुम्हारे मीन्स यू। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा है, यू वी आई के साथ हैव लगता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, हैव, तुम्हारे के लिए यू, ए स्कूटर। ठीक है, इंटरोगेटिव में हम लोग किसका यूज करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव आएगा, तुम्हारे में यू आएगा, ए स्कूटर। और इसका बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने की दूसरी ट्रिक क्या होती है कि क्वेश्चन के पीछे हमेशा क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग हेड का प्रयोग करना सीखेंगे तो हेड वाले हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सारी कंडीशन यही होंगी, पास भी होगा, के पास भी होगा, किसी वस्तु के पास होने का बोध भी होगा, लेकिन लास्ट में उसके क्या मिलेगा बेटा, थे, था, थी, थे मिलेंगे। ठीक है, जब कहीं भी था, थी, थे मिलेंगे तो हम लोग हेड का प्रयोग करेंगे, और पास, के पास अगर लास्ट में है लगा है तो उसका मतलब हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। ही सीट के साथ हैज का, या किसी का नाम हो तो हैज का, यू वी आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपने सीख ही लिया है। इसके बाद
मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।